हेलो एवरीबॉडी, मैं आरपी सिंह विजन ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। मैंने लास्ट टाइम आपके साथ एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एग्रीकल्चर जो बिल पास हुआ इंडिया में उनके ऊपर जो प्रोटेस्ट हो रहा है नॉर्थ इंडिया में, मोस्टली आपके हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो फार्मर्स हैं उनका क्या कहना है और गवर्नमेंट ने क्या आपके इन बिलों में बातें रखी हैं, तो उन्हीं को यहाँ पर लेकर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं पहला बिल आपके सामने यहाँ पे पेश कर रहा हूँ, इसका नाम है आपके व्हाट इज द असेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020, यानी ये जो है आपके 2020 में पास हुआ, तो भाई 2020 इसको बोलेंगे। 2020 में जो ये बिल पास हुआ, हिंदी में सिंपल भाषा में इसको बोलते हैं आपके आवश्यक वस्तु अधिनियम भंडारण नियम, यानी सिंपल लैंग्वेज में ये बिल जो था आपके, इसकी जो कहानी है वो स्टार्ट होती है 1955 से लेकर और 2020। मैं पूरी कहानी आपको यहाँ पे बताऊंगा नेहरू से लेके मोदी तक। इसमें क्या हुआ था, सबसे पहले जो आपके 1955 में ये बिल आया था, ऐसा नहीं कि आज पहली बार आपके 2020 में इन्होंने जून के महीने में ऑर्डिनेंस बिल लाकर उसके बाद में इन तीन बिलों को पास करा दिया और हमारे सामने आपके किसानों के अगेंस्ट में आपके ये गवर्नमेंट चली गई है। देखो, रूलिंग पार्टी का ये कहना है कि ये बिल जो है गेम चेंजर होंगे, मीन्स उनके अकॉर्डिंग है तो ऑब्वियसली होंगे, लेकिन अपोजिशन वालों का ये कहना है कि जितने भी आपके बात अपोजिशन की नहीं, जितना भी इंडिया में जो फार्मर्स हैं उनका ये कहना है कि ये बिल जो है आपके पूरी तरह से फार्मर्स के अगेंस्ट में है और इससे जो आपके एक सिस्टम चला आ रहा था वो पूरी तरह से आपके उसको खत्म करने के लिए सरकार सोच रही है, यानी वो एक एक प्रोविजन लेकर आ गई है जिसका पूरी तरह से आपके एक उसका नेगेटिव इंपैक्ट इंडिया के जो स्मॉल फार्मर्स हैं या फिर आपके बड़े बड़े किसान हैं उन पर पड़ने वाला है। इसमें मंडी समिति को लेकर भी, एमएसपी को भी लेकर आपके, और जो स्टॉकिंग है, भंडारण क्षमता है उसको लेकर भी। तो पहले मैं आपके सामने जो ये बिल पेश कर रहा हूं इसके बारे में समझा देता हूं आपको कि इसकी क्या आपके नेगेटिव है, क्या आपके पॉजिटिव है। ये सिंपल भाषा में ये कहता है कि जो ये भंडारण क्षमता की बात है, चाहे तो उसमें फार्मर हो, चाहे उसमें प्राइवेट आपके कोई भी एक ट्रेडर्स हो, या फिर आपके कोई दूसरा एक निजी क्षेत्र का कोई कंपनी हो, वो क्या करती है, मीन्स आप जिस टाइम पर आपके फसल आएगी तो उसका क्या है, वो आपके भंडारण कर सकती है। अब एक बात बताइए, किसानों का ये कहना है कि किसान जो है आपके एक गांव में रहता है और उसके पास में ठीक से रहने के लिए मकान नहीं होता, और सरकार ये कह रही कि किसान भी भंडारण कर सकता है, यानी किसान की जैसी फसल आती है तो उसको पहले टेंशन ये हो जाती है कि मेरी फसल इतनी हुई है कि मैं आने वाली फसल के लिए आपके मैं बुवाई कर सकूं। तो सरकार जो है आपके ये बार बार उलाहना जो दे रही है कि किसान भी कर सकते हैं इसका आपके भंडारण, लेकिन मेरे एक इंटेंशन में, मिस मेरे अकॉर्डिंग ये पूरी तरह से जो बिल आपके प्राइवेट सेक्टर को समर्पित है। क्यों? क्योंकि किसान तो इसका भंडारण करेगा नहीं, उसके बाद में जो निजी क्षेत्र के हैं आपके, मोटे मोटे आपके व्यापारी हैं, वो क्या करेंगे, आपके जो वस्तुएं हैं जो भी उत्पादन में आपके सस्ते दाम पर खरीदी गई हैं उनको भंडारण कर लेंगे, उनका जमा कर लेंगे, उसके बाद में क्या होगा, जैसे आपके मार्केट में गुड्स का शॉर्ट चलेगा तो उसके बाद में वो आपके महंगे दाम पर उनको बेचना स्टार्ट कर देंगे और उसका आपके जो एक इम्पैक्ट है वो फार्मर्स पर ही पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, आज तक के इतिहास में इंडिया में एक फार्मर ऐसा है आपके जिसकी इनकम सिर्फ आपके 1950 से लेके 2020 के बीच में 21 गुना बढ़ी है, जबकि अगर अलग कर्मचारियों की आप बात करेंगे तो 180 गुना, 180 गुना उनकी सैलरी में वृद्धि हुई है। सिंपल लैंग्वेज में कि अगर 1950 में कोई किसान 1 रुपया कमाता था तो 2020 में वो आपके 21 रुपये कमाता है। अगर कोई कर्मचारी 1950 में आजादी के टाइम पर अगर 1 रुपया कमाता है तो आज के टाइम पर उसकी 1 रुपए की तुलना 180 रुपए की है। तो आप सोच सकते हैं बात आज रूलिंग पार्टी की नहीं है, 1950 से लेकर और 2020 चल रहा है, किसी भी पार्टी ने किसान के फेवर में नहीं सोचा है। जिस टाइम पर कोरोना का एक आपके पेंडेमिक आपके पूरा वर्ल्ड झेल रहा है उसमें इंडिया भी है, तो इंडिया की जो क्वार्टरली जीडीपी है वो माइनस में जा रही थी, उसकी इज्जत जो बताई बचाई है वो भी आपके फार्मर्स ने बचाई है। अगर आज किसान नहीं होता तो इंडिया की जीडीपी जो है आपके पूरी तरह से वो माइनस में जा रही थी। तो यहां पर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हाँ हम उसके अगेंस्ट में कैसे आपके प्रोसेस लाएं, लेकिन हमेशा चाहे आपके आज रूलिंग पार्टी हो या फिर आपके पहले जो कांग्रेस की पार्टी थी, सभी कहीं ना कहीं आपके जो सोचती हैं सिर्फ आपके कैपिटलिस्ट को सेंटर मानकर ही आपके वो काम करती हैं। आज का आपके पूरी तरह से
इसका एक किसान जो आपके डिमांड कर रहा है, मेरे अकॉर्डिंग किसान जो डिमांड कर रहा है कि भंडारण क्षमता आपके ये है कि प्राइवेट सेक्टर को और उसके बाद में किसान भी कर सकता है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये बिल जो है आपके किसान के अगेंस्ट में होगा और जो आपके निजी क्षेत्र है उसके फेवर में होगा। क्योंकि किसान कितना गिना चुना आपके, आज रियल में अगर आप भारत को देखना चाहते हैं तो गाँव में जाइएगा, उसमें जो आपके 54% भारत का कृषि क्षेत्र है उसमें देखिएगा कितने किसान के पास में रहने के लिए मकान है, कितनों के पास रहने के लिए आपके आबादी है, कितनों के पास रहने के लिए आपके आलिशान बिल्डिंग है, आपके कोल्ड स्टोरेज बने हुए हैं कि किसान वहां पे जाके अपना स्टॉक कर लेगा। इसलिए ये जो है आपके साफ साफ आपके एक निजी क्षेत्र की तरफ बढ़ावा दे रहा है। उसके बाद में जब दूसरे आप दूसरे बिल की तरफ जाते हैं तो दूसरा बिल क्या कहता है, व्हाट इज फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल, यानी ये कहना चाह रहा है आपके दूसरा जो बिल है 2020 में आया, जो 2020 में आया, इसमें साफ साफ अगर मैं एक भाषा में कहूं इसको तो एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करता है, समझौता किया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाऊं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में अभी तक क्या था आपके, ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं था, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो आपके छोटे पैमाने पर था कांग्रेस ही लेकर आई थी 2012 में, जब आपके कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उसी टाइम से चला रहा था, लेकिन लार्ज स्केल पर इसको आपके आज की रूलिंग पार्टी ने इसको लागू कराया है। क्या होता है, लेज एक कंपनी है जो चिप्स बनाती है, उसको क्या है करोड़ों टन में आलू की नीड है। उसके बाद में आप देखते हैं कि पार्ले जी कंपनी है, उसको क्या है गेहूं बड़ी मात्रा में जरूरत होती है, गेहूं से भी आपके बिस्किट बनता है। कोई हल्दीराम है जो आपके एक भुजिया बनाता है, उसको भी आपके दाल की जरूरत है, आपके चने के आपके बेसन की जरूरत है। इन्हें क्या है, ये सब प्राइवेट मीन्स आपके निजी क्षेत्र के व्यापारी हैं, ये क्या करेंगे, गवर्नमेंट ने कहा कि आप जाओ और गांव में जितने भी किसान हैं उनको एक आपके कांटेक्ट करो, उनसे एग्रीमेंट करो और अपनी जरूरत के हिसाब से आप उस वस्तु का उत्पादन करवाओ। तो यहां पर जो आपके कोई कंपनी का आपके सेक्रेटरी आएगा, सचिव आएगा, कोई आपके सीईओ आएगा, कोई ना कोई तो वो भेजेंगे वहां पर। उसके बाद में बोलेंगे कि गांव में कितने कितने बीघे जमीन किसके पास है, देखो भाई सभी के पास 1000 बीघे जमीन तो नहीं मिलेगी, किसी के पास आपके 2000, आपके 2 बीघे, किसी के पास 3 बीघे, किसी के 10 बीघे, किसी के आपको 50 बीघे, ऐसे सीक्वेंस मिलेगा। तो छोटे छोटे खेतों को मिलाकर वो एक साथ आपके बोएंगे कि हाँ इतने एकड़ में हमारे कोल्ड स्टोरेज के लिए हमारी जरूरत के हिसाब से इतना उत्पादन हो सकता है। ये क्या करेंगे आपके प्राइवेट कंपनी, ये एग्रीमेंट करेंगे किसानों से कि किसान जो आपके छोटे छोटे खेत हैं इनको एक करके भाई इसमें एक ही वस्तु का उत्पादन करो, लाइक इस खेत में आप गेहूं का उत्पादन करो। अब गेहूं का उत्पादन जब करेंगे उसके बाद में ये इनको कहेंगे कि आपको आपका जो गेहूं है हम 25 रुपए किलो के हिसाब से खरीद लेंगे, कॉन्टेक्ट कर लिया। उसके बाद में आप पड़ोसी बोलेगा गेहूं कितने भाव में बिकता है, तो पता चलेगा कि आपके गेहूं जो आपके 2000 रुपए किलो या 1800 रुपए क्विंटल के हिसाब से जा रहा है। तो उन्हें लगा कि यार ये निजी व्यापारी हैं, ये हमको ज्यादा लालच दे रहे हैं, तो किसान तो आपके फ्लैट हो जाएगा उसके ऊपर, हाँ हम तो एग्री करने को तैयार है, एग्रीमेंट करने को तैयार है। तो ये जब एग्रीमेंट कर लेंगे उसके बाद में जब आपके अब भारत में क्या है आपके जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है यहां से किसान की आपके अर्निंग स्टार्ट होगी। लेकिन दिक्कत क्या है यहां पर, ये थोड़ा फेवरेबल है मीन्स आपके किसान के हित में है ये बात, लेकिन सरकार ने यहां पर गलती कहां पर की, गलती ये की गई, मान लीजिए भाई आपके जिस कंपनी ने ये समझौता किया, कोई बड़ी कंपनी उसने समझौता किया, उसने क्या है आपके बाई चांस आने वाले टाइम में उसकी कंपनी बंद हो गई या फिर कंपनी आपके इंडिया छोड़ के चली गई, और उस एरिया में जो उनसे एग्रीमेंट हुआ था कि हम इतने ही आपके प्राइस पर आपकी फसल को खरीदेंगे, आप इसका उत्पादन करें, और बाद में बोल दें कि आपके हम किसको ढूंढते रहें, कहां जाएगा किसान, तो बाद में क्या करेगा आपके मंडी समिति में चला जाएगा एग्रीमेंट के लिए, वहां पर क्या आपके कुछ भी ऐसा उसके पास में नोटिफिकेशन नहीं होगा। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है इसमें कि भाई अगर एग्रीमेंट हुआ है यहां पर, और इससे पहले क्या था आपके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से पहले भारत में एमएसपी था,
और आज भी ये तीसरा बिल है, मैं एमएसपी को भी समझाऊंगा आपको, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसमें यह लिखा हुआ था कि किसान की जो फसल है उसको क्या है, एफसीआई के गोदाम में आपके कोई मान लो जैसे गेहूं है तो उसको 1600 रुपए क्विंटल के हिसाब से कम नहीं खरीदा जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे आपके आपने नाम सुना होगा एपीएमसी, एपीएमसी मीन्स आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, सिंपल भाषा में इसको मंडी समिति बोलते हैं। अब किसान क्या है आपके, जब देखेगा कि हमें एमएसपी पे तो हमारी फसल बिक्री है आपके 1600 रुपए क्विंटल के हिसाब से, लेकिन बाजार में हमने देखा आपके मंडी समिति में कि वहां पे 2000 रुपए को बिक रहा है गेहूं, तो किसान क्या करेगा, वो एमएसपी पे नहीं बेचेगा, वो क्या करेगा आपके एपीएमसी मंडी समिति में जाकर बेचाएगा। लेकिन यहां पर वो बंधा हुआ नहीं है एमएसपी के थ्रू, यहां पे बंधा हुआ है। अब मान लो इन्होंने क्या है आपके, जब फसल बोई जा रही थी तो किसान को लगा कि भाई हाँ फसल जो है आपके हमारी अच्छी खासी चली जाएगी और 2500 रुपए क्विंटल के हिसाब से हम बेच देंगे, लेकिन अचानक आपके मार्केट में उस वस्तु का भाव बढ़ जाता है और 2500 की जगह आपके बाजार में वस्तु बिक्री आपके 4000 रुपए क्विंटल, तो किसान जो है आपके अगर चोरी से उस कंपनी को ना बेचकर जिसके साथ एग्रीमेंट किया था उसने जाकर आपके 4000 रुपए क्विंटल के हिसाब से मंडी में बेच दिया या फिर किसी दूसरे साहूकार को बेच दिया, तो कंपनी क्या करेगी उसके ऊपर आपके केस कर देगी, यानी किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बंध गया। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है आपके, देखो हर किसी कानून में आपके बुराइयां अच्छाइयां होती हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में यह होना चाहिए था कि जैसे एमएसपी के थ्रू आपके किसान के पास दो ऑप्शन हुआ करते थे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सिर्फ किसान के पास एक ही ऑप्शन है। कॉन्ट्रैक्ट अगर एग्रीमेंट तुमने कर लिया तो सिर्फ और सिर्फ तुम उसी कंपनी को सामान बेचोगे, दूसरे जगह अगर आप जाके नहीं बेच पाओगे, तो उन्हें यह डर है मिस आपके जो पहले एमएसपी चला रहा था उसके हिसाब से नहीं है। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाना भी कुछ ठीक है, लेकिन आपके मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपके कुछ सेक्टर में इसके नेगेटिव एस्पेक्ट आएंगे तो कुछ सेक्टर में आपके पॉजिटिव भी हैं। लेकिन यहां पर भी आपके किसानों को यही डर है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाकर ये क्या करते हैं आपके किसानों को आपके लेजी बना देंगे, किसान जो आपके स्ट्रगल करता है उसके आपके उसको छीनने जा रही गवर्नमेंट, यानी कि सबसे ज्यादा आपके निजी क्षेत्र को वो बढ़ावा दे रहे हैं। तीसरा एक्ट क्या कहता है, तीसरा एक्ट कहता है व्हाट इज फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एंड प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। जो 2020 में ये बिल पास हुआ तो सिंपल लैंग्वेज में कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य, इसको आप एमएसपी कह सकते हैं, मीन्स आपके मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या होता है देखो मैं समझा देता हूं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस न्यूनतम समर्थन मूल्य। मान लीजिए आपके जैसे ही फसल बोई जा रही है तो उसमें किसान के लिए जो भारत सरकार है वो क्या करती है, एक प्राइस डिसाइड करती है कि हम धान की फसल को 2000 रुपए क्विंटल के हिसाब से खरीदेंगे, उससे नीचे नहीं खरीदेंगे, ये आपके एमएसपी बोला गया। लेकिन यहां पर क्या है आपके, ये सर्टिनिटी नहीं है किसान की कि यहां पर आपके वो एमएसपी पर ही बेचे। अब रूलिंग पार्टी और आपके जो गवर्नमेंट ऑफ हेड है उसने तो कहा है कि एमएसपी रहेगा, लेकिन किसानों का यह कहना है कि ये एमएसपी जो है आपके सिर्फ फॉर्मेलिटी के रूप में रहेगा, यहां पे रोल जो है आपके प्राइवेट सेक्टर का ही है। अब एमएसपी की कहानी भी आपको समझाता हूं मैं। इंडिया में जितने भी किसान हैं आज तक का रिकॉर्ड है एमएसपी पर सिर्फ और सिर्फ वो आपके 94% तो प्राइवेट या फिर आपके मंडी समिति में बेचते हैं और 6% किसान या आपके भारत का एमएसपी पर अपनी फसल को बेच पाता है, रिकॉर्ड जाकर आप देख लीजिएगा। अब यहां पर जो मैं ये डेटा दे रहा हूं आपको तो ये समझ में आपको आएगा कि एमएसपी होता क्या है। जैसे एमएसपी को आपके एफसीआई के अधीन रखा गया है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये क्या करता है कि जैसे किसान क्या करता है आपके एफसीआई के गोदाम जाता है और उससे कहता है कि आप हमारी फसल को ले रहे हैं, यानी कि जैसे एमएसपी डिसाइड हुआ 20 रुपए के हिसाब से, 20 रुपए केजी के हिसाब से आपके कोई वस्तु का डिसाइड हुआ, गेहूं 20 रुपए किलो के हिसाब से जा रहा है। उसके बाद में अब बाजार में जो निजी व्यापारी हैं वो खरीद रहे हैं आपके 1500 रुपए यानी 15 रुपए के हिसाब से, तो किसान को नुकसान हो रहा है। किसान क्या करेगा आपके एफसीआई के गोदाम जाएगा, उसमें पूछेगा कि आप क्या भाव ले रहे हैं उसको गेहूं को। उन्होंने कहेगा कि अरे बताने की क्या जरूरत है, सरकार ने डिसाइड कर दिया था आपके कि हम 2000 रुपए क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदेंगे। अब जैसे ही आपके किसान क्या करेगा आपके एफसीआई के गोदाम अपना सामान लेकर जाएगा तो एफसीआई के कर्मचारी क्या करेंगे,
हमारे यहां पर जगह नहीं है, बोरे नहीं है, स्पेस नहीं है, बाद में लेकर आना, यानी पूरी तरह से उनको आपके उलाहना देकर भगा देंगे। और बाद में क्या करेंगे, जब किसान उसी अपनी वस्तु को एपीएमसी में आपके मंडी में लेकर जाएगा, मंडी में लेकर जाएगा, तो ये आपके एफसीआई के जो अधिकारी हैं ये क्या करेंगे, अपने साहूकारों को एपीएमसी में भेज देंगे। और यहां पर जो आपके 15 रुपए के हिसाब से गेहूं बिक रहा है उसको क्या करेंगे, हम आपका 16 रुपए ले लेंगे, यानी 16 रुपए आपके 1600 रुपए क्विंटल के हिसाब से ले लेंगे। इन्होंने क्या किया, बैठे बैठे उन्होंने आपके 400 रुपए अपने वहीं पर कमा लिए, जो किसान पूरे आपके 6 महीने तक फसल के लिए रात और दिन एक करता है, लेकिन एफसीआई में जो आपके एक करप्शन फैला हुआ है वो यहां पर आपको साफ साफ नजर आ रहा है। ऐसा होता है इंडिया के किसी भी एरिया में चले जाएं आप, अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो इसको एपीएमसी को मंडी समिति कहा जा रहा है, हरियाणा पंजाब में आपके मंडी समिति कहते हैं, और बिहार के एरिया में जाएंगे तो वहां पे गद्दी शायद ऐसे कुछ नाम है, लोकल नाम है ये। और कुछ एरियाज में आपके इंडिया में जो हम अगर भारत को देखें अच्छे से तो पूरे भारत में आधे यानी बहुत किसान ऐसे होंगे जिसने आज तक आपके मंडी का मुंह तक नहीं देखा होगा। कहने वाली बात होती है कि मंडी मंडी आपके मंडी में आपके किसान वो बेच लेगा, तो यहां पर क्या है आपके इस आधार पर, तो एमएसपी जो है आपके एमएसपी में बड़ा घोटाला हो रहा था। एक बात बताइए मुझे आप, एक मोबाइल है, इस मोबाइल की कीमत आपके 20,000 रुपए है, इस पर एमआरपी लिखा होता है, क्या किसी की औकात है इसको आपके 21,000 रुपए में कोई बेच दे, जब 20,000 रुपए इसका प्राइस डिसाइड हुआ है, ना ही तो इसको कम में बेच सकता ना ही कोई ज्यादा में बेच सकता। कहने का मतलब मेरा सिंपल यह है कि आज तक की किसी भी सरकार ने यह डिसाइड नहीं किया हम किसान की फसल को इतने से कम में नहीं खरीदेंगे, किसी ने भी नहीं सोचा ऐसा। और यहां तक कि आपके आज तक भारत की अर्थव्यवस्था को जो बचा के रखा है वह कृषि क्षेत्र ने बचा के रखा है, सिर्फ उलाहना देके आ जाते हैं। 1955 से लेकर आपके ये एक्ट पे एक्ट बनते आ रहे हैं, 2020 बन चुका है, किसान बार बार अपने हित के लिए लड़ाइयां लड़ता है लेकिन कोई भी सरकार आपके उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देती है। अगर इतना दम है तो आप एमआरपी डिसाइड कर दीजिए कि हाँ इतने न्यूनतम समर्थन मूल्य से हम नहीं खरीदेंगे किसान की फसल को। बार बार ये आपको उलाहना देने की जरूरत क्या है आपको कि आप ऐसा काम करें उसके बाद में हमने आपको एमएसपी दिया एमएसपी बच के रहेगा, ऐसे नहीं है। पूरी तरह से ये किसानों को देखो, सीधी सी बात है, बार बार बोला जा रहा है कि अपोजिशन वालों ने भड़का दिया किसान को। अब एक बात बताइए सिंपल लैंग्वेज में आप, अगर किसी किसान को उसकी फसल का मूल्य अच्छा खासा मिल रहा है तो कौन सा किसान अगर बलगा गया जाकर कि वो सड़क पर आएगा कोरोना जैसी पैंडेमिक में और लाठियां खाएगा, अगर आपके गैस के गोले खाएगा, उसके बाद में पानी का छिड़काव किया जाएगा उनके ऊपर, तो कहीं ना कहीं तक आपके ये देखा जा रहा है कि सरकार की जो नीति है उसके ऊपर भी आपके सवाल उठ रहे हैं और उसकी मंशा पर भी आपके क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो सरकार को ये क्लियर करना चाहिए कि हाँ ये आपके कानून हमने क्यों बनाए हैं, और इसमें आपके उन्होंने अपने एक कैबिनेट में बैठकर ये एक्ट तो बना दिए लेकिन किसानों से इसका डिस्कशन नहीं हुआ। उससे तो पूछो जाकर कम से कम जिसके घर घर टपकता है लेकिन वो हमेशा एक गॉड से प्रे करता है कि बारिश हो जाए मेरी फसल अच्छी हो जाएगी, उसे अपने घर से इतना डर नहीं, उसको अपनी फसल से डर है कि मेरी फसल मुझे टाइम पे मिल जाए। और उसका भी आप टाइम पर आपके अगर पेमेंट नहीं करते, कई बार आपके गन्ना का भुगतान नहीं हो रहा है, कई बार आपके गेहूं का भुगतान नहीं हो रहा है, कई बार एमएसपी का इशू आ रहा है, कई बार आपके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का इशू आ रहा है, यानी 1955 से लेकर 2020 तक आपके किसान को पूरी तरह से आपके घोटती आई है सरकारें, किसी ने भी किसान के फेवर में आज तक बात नहीं कही है। तो ये एमएसपी जो है आपके कहने के लिए उनको बोल रहे हैं कि आपके एमएसपी है लेकिन हकीकत यही है कि आपके बार बार जो बोल रहे हैं कि हमारे पास में स्टोरेज नहीं है। अरे एक बात बताइए, इंडिया में इतना प्लेस है, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर में भारत निवास करता है, उसमें भारत के पास में यानी कि भारत के किसान का जो अनाज है उसको रखने के लिए आपके पास स्पेस नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 2012 में नितिन गडकरी जब आपके बीजेपी के में एक हेड हुआ करते थे, उन्होंने साफ साफ बोला था कि एमएसपी इज एक्स्ट्रा बर्डन ऑन इंडियन इकोनॉमी, यानी उन्होंने क्या है आपके एमएसपी को पूरी तरह से यानी एमएसपी को आप बर्डन मानते हैं, आप 1,500 करोड़ रुपए आपके पूंजीपतियों का पैसा आपके माफ कर देते हैं और किसानों का 1,000 करोड़ रुपए आपके आपको माफ करते हैं, उसको दिक्कत आती है आपको, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आपके जो पूंजीपति हैं आपको दोबारा से इलेक्शन में आपके चंदा दे देंगे, किसान तो नहीं दे पाएगा, तो इसलिए कोई सोचता नहीं उसके बारे में। तो ये 3 बिल हैं जो आपके पूरी तरह से किसान के अगेंस्ट में है, ये मेरे अकॉर्डिंग तो थोड़ा उनके पॉजिटिव वे में भी है लेकिन भारत का जो किसान है वो धरती लेवल से जुड़ा हुआ है, उसको पहले समझाना होगा कि हाँ तुम्हारे फेवर में ये पॉलिसीज हैं। अगर आप एमएसपी डिसाइड कर रहे हैं तो और ये बोला गया कि भारत के किसी भी आपके कोने में जाकर बेच सकते हैं, अब आपके किसी मंडी समिति की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बात बताइए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, एक किसान जो है ट्रैक्टर भर के आपका टमाटर लेकर आता है
और कोई मंडी नहीं है कहीं पे बेचने के लिए, और कच्चा सामान है वो आपके 2 दिन में ही खराब हो जाता है टमाटर, कहां बेचेगा वो जाकर वो? अगर मंडी होगी वहां पर, एपीएमसी का आपके होगा वहां पर, तो आढ़ती क्या करेगा, वो तुरंत आपके बोली लगाएगा और उसको आपके खाली करा देगा, जल्दी से आपके उसको घर भेज देगा। तो उससे क्या है, किसान को भी टाइम पर आपके पेमेंट मिल जाएगी उसके बाद में, और उसका भी घर चल जाएगा जो आपके पहले से मंडी समिति के आपके अध्यक्ष बने हुए थे। तो ये जो है आपके जो चार दीवारी के भीतर बैठकर आपके कानून बना दिए जाते हैं, लेकिन जमीनी लेवल से सोचा जाएगा तो भारत के किसान के ये फेवर में कानून नहीं है, सच्चाई तो ये है। बेशक आपको बुरा लग रहा हो, लेकिन इसमें आपके जो किसान से पूछोगे कि एक किसान जिसके पास में मंडी का कोई ऑप्शन नहीं, कहां बेचेगा अपनी फसल को ले जाकर? हरी सब्जी जितनी भी होती है आपके, जब बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है उनका, कहां बेचेगा? जाकर सड़क पर बेचेगा, जाकर आपके रेडी लगाएगा कहां पर? इतने बड़े बड़े क्विंटल के आपके सामान होते हैं, कहां बेचेगा ले जाकर? तो उसका जवाब देना होगा आपको। आप बोलें कि आपके भारत का किसान है वो कहीं पर बेच सकता है ले जाकर, ये साहूकार बेच देगा आपके, कहीं दुकान पे बेच देगा ले जाकर, आपके किसी किराना स्टोर पर बेच देगा, थोड़ा सा सामान नहीं है, 1 किलो 2 किलो नहीं है, आपके किराना स्टोर पर बेच देगा ले जाकर। उसके उत्पादन को देखिएगा पहले, जो सिस्टम आपके चला रहा है आज भी, एमएसपी एमएसपी की बात कर देते हैं, कहने के लिए एमएसपी है, लेकिन आज का भारत का जो किसान है एमएसपी का लाभ जो आपके 4% को मिलता है, 96% जो आपके पूरी तरह से वो एमएसपी का लाभ ले ही नहीं पाता। ये सबसे बड़े खामियाजा है भारत सरकार का, जो आपके एफसीआई गोदाम है वो पूरी तरह से आपके प्रॉपर वर्क ही नहीं करता। और सबसे पहला एक्ट है ना जो आपके, वो तो यही कहता है कि इसमें जो आपके एक संस्था है, ये फर्स्ट वाला जो एक्ट है, इसमें तो ये बोला गया कि आपके ये कानून लाकर ये साबित कर दिया कि एक एनएसएसओ है। एनएसएसओ एक डिपार्टमेंट है जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी। ये क्या करता है, बेरोजगारी के आंकड़े जारी करता है, ना एनएसएसओ का रोल होगा ना उसके बेरोजगारी का आंकड़ा आएगा। और एक बात बताइए, जून में आपके ये ऑर्डिनेंस बिल लाने की जरूरत क्या थी? यानी आप क्या है, आपके पूरी तरह से जबरन आपके ऑर्डिनेंस बिल लाकर उसके बाद में किसानों पर ये एक्स्ट्रा बर्डन थोपना चाहते हैं। यानी आपको कहीं से ऑप्शन दिखाई नहीं दिया आप, तो अब आपके एग्रीकल्चर सेक्टर आपको नजर आ रहा है कि वहां से आपके किसानों का खून चूसना चाहिए, वो कमा कमा कर आप हमारी अर्थव्यवस्था का मुंह भरेंगे। तो ये जितने भी आपके बातें रखी जा रही हैं, तो उनके फेवर में उनसे एक बार बात करनी चाहिए कि क्या क्या, क्या डिमांड है। आप एक किसान से पूछी जाकर उसके क्या आपके वो चाहता क्या है, क्यों बार बार आपके वो जनता से सरकार से गुहार लगा रहा है कि ये हमारे अगेंस्ट में है? इतना पागल नहीं है, वो खाना खाता है, वो हमारा एक अन्नदाता है, हमको उत्पादन करके देता है। तो जितना भी सिस्टम ये चला आ रहा है, मैं आज की रूलिंग पार्टी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं आपके 1950 से लेकर 2020 तक आपके जो रूलिंग पार्टी आई है, किसी ने भी किसान के बारे में ऐसा कुछ आज तक आपके सोचा ही नहीं है। बाकी अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन बताइए कि हाँ मैंने कितना सही बताया कितना गलत बताया, क्योंकि कुछ ऐसे भी होंगे जो आपके फार्मर्स होंगे, उन्हें भी लगता है कि आपके क्या गलत बताया मैंने इस एक्ट के बारे में, क्योंकि जो आपके मैंने यहां पर डिफाइन किया है कि निजी क्षेत्र को बढ़ावा नहीं देने का ट्राई कर रहा, उससे पहले भी गलतियां थी, मैं नहीं बोलना गलतियां नहीं थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी, कांग्रेस के टाइम पर भी थी, लेकिन वो स्मॉल लेवल पर थी, लार्ज स्केल पर आपके रूलिंग पार्टी लेकर आई है उसको। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के आपके आपके नेगेटिव एस्पेक्ट ज्यादा है, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी थी तो गांव के सरपंच से एग्रीमेंट करते, तो उसके बाद में उसका चेहरा तो नजर आता ना कि हाँ इसने मुझे एग्रीमेंट करने के लिए मजबूर किया था, जब ये वोट मांग रहा है तो मैं इससे जवाब मांगूंगा। एक बात बताइए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनी भाग के चली गई, उसके बाद में किसान कहां जाएगा? कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में तो कुछ आपके एविडेंस ही नहीं उसके पास। तो कहने वाली बात है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, और उसके बाद में अच्छा आपके एक जीडीपी बढ़ेगा, उसके बाद में हमारा एक ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ जाएगी, ये सिर्फ समझाने वाली बातें हैं। सच्चाई यह है कि पूरी तरह से आपके एक स्टॉकिंग को, जमाखोरी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे आने वाले टाइम में आपके किसान को ही आपके इसका हर्जाना भुगतना होगा। तो मिलता हूं मैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही आपको, अगर इसमें आपको लग रहा है कि कहीं पर गलत हूं मैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो थैंक यू।